हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी? सब कुछ बढ़िया है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करने में, इसीलिए क्योंकि यू शुड ऑलवेज फील यंग बाय हार्ट। तो जो यूथ होता है ना, वो सिर्फ चेहरे से बालों से नहीं होता है, वो अंदर की जो भावनाएँ होती है उससे होता है। तो काफ़ी मज़ेदार जो सीरीज़ हैं हम आपस में शेयर करते रहते हैं, और उसके अंदर जो मज़ा होता है उसको रीलिव करने की कोशिश करते हैं। जो उम्र से निकल चुके हैं वो पुराने दिन याद करते हैं, और जो उस उम्र से निकल रहे हैं वो रिलेटेबिलिटी चेक करते हैं। यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और ऐसे बहुत सी सीरीज़ आ चुकी हैं जो स्कूल को, या स्कूल के बाद ट्यूशन को, ट्यूशन सेंटर स्पेसिफिकली, या प्रोफेशनल कोचिंग को, या फिर कॉलेज लाइफ को, या हॉस्टल लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है। और इसका जो बीड़ा है वो उठा लिया TVF ने, क्योंकि वो ये सारे के सारे आस्पेक्ट कवर करता है। हॉस्टल वाला आस्पेक्ट भी वो कवर कर रहा है हॉस्टल डेज के अंदर, जो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा। Season 3 आ चुका है, मस्ती भरा है। इसके जो किरदार हैं वही इसको मस्ती भरा बनाते हैं, और TVF इसको बनाता है इनसाइटफुल, क्योंकि जो जो भी यहाँ पर किरदार हैं, जो यहाँ पर या तो नए आते चले जा रहे हैं, या फिर जो पड़े रह गए हैं झाटू जैसे, वो किस तरीके की मनोदशा से गुजर रहे हैं, और वो किस तरीके से फ्रेंडशिप आगे जाती है, और इनकी अपने अपनी लव स्टोरी, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड इशूज़, या फिर हॉस्टल की लाइफ को किस तरीके से दिखाया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, वो काफ़ी बढ़िया है। तो अब ये जो सारे लोग हैं ये अब बड़े हो गए हैं, सोटू से 3rd ईयर के अंदर जा चुके हैं, तो इनकी जो लाइफ आगे कैसे जाती है, झाटू अंकित हो जाए, चाहे जाट भैया हो जाए, आकांक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका इस टाइम पे, अच्छा ठीक ठाक स्क्रीन टाइम मिला है, चिराग ले लो, और स्पेसिफिक मेंशन टू लेट राजू श्रीवास्तव जी यहाँ पर चाय वाला बने। सारे के सारे कैरेक्टर बहुत जेन्युइन है, रियल है। जो उनके रैगिंग स्टाइल है उससे थोड़ा सा भी ऊपर उठ चुके हैं ये, और थोड़ा मैच्योर बातें करने लगे, विच इज़ ओके, ये ग्रेजुअल मूव भी होना चाहिए। और इसके बाद आई थिंक थोड़ा सा एपिटोम आ चुका है, इसके बाद इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, कोई भी हार्मफुल तरीके की ये लोग मस्ती नहीं करते हैं, ये बेसिकली मस्ती मजाक के लिए करते हैं, और जिनके साथ करते हैं वही इनके दोस्त यहाँ पर बनते हुए आपको नज़र आ जाते हैं। जो टेक्सचर रखा गया है, जिस तरीके की गहराई दिखाई गई है दोस्ती के अंदर, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ईर्ष्या भी दिखाई गई है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ में ज़्यादा एज अ सब्जेक्ट रखा हुआ है, यूथफुलनेस मेंटेन रखी है, एनर्जेटिक रखा गया है, लैंग्वेज में गालियाँ बहुत भर भर के, लेकिन वो एज स्लैंग है तो उसे घबराना मत। यहाँ पर आपको 2.0 वर्जन दिखने वाला है नोबिता का और जाट का, अंकित का, आकांक्षा स्पेसिफिकली, जो उसके रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, तो सब मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, उनका जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी जो चीज़ें आप चेंज देखोगे, कॉन्फिडेंट देखोगे, विच ऑल्सो शोज द मेचोरिटी ऑफ दीज कैरेक्टर्स एंड द मेचोरिटी ऑफ राइटिंग ऑल्सो। झाटू का कैरेक्टर फिर से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वो लग जाएगा अपने इंपॉर्टेंस मेंटेन करने के लिए, और उसके लिए वो क्या कुछ करेगा वो भी आपको काफी ज्यादा स्वीट भी लगेगा, इंडियरिंग लगेगा, जिसकी वजह से मेरा मूवी शुभ स्कोर भी सीरीज के लिए रहेगा 8/10। इट्स अ गुड सीरीज, यू विल एंजॉय इट। डाउनसाइड की बात करूं तो इसके बाद अब ये थोड़ा डाउनहिल जाएगी, आपको ऐसा लगने ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो चुकी है कि इसके बाद अगर और बनाने की कोशिश करोगे तो शायद आपके पास उतना मटीरियल नहीं होगा, तो जस्ट स्टॉप इट हियर, मे बी थिंक ऑफ सम न्यू कॉन्सेप्ट, ब्रिंग इन न्यू कैरेक्टर्स, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू सिचुएशन, अभी इसको अभी यहीं पर ही छोड़ दो, ठीक है? बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।